हम लोग पढ़ेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, फोर्स आने करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लॉरेंज ने देखा ऐसे दो मैग्नेट लिया, दो मैग्नेट के बीच में एक साइड में एन और एक साइड में यस, ऐसे यस मैग्नेट के दो पोल हैं और इसके बीच में एक वायर रख दिया ऐसे, और जब इस वायर में करंट आई फ्लो किया तो देखा कि एक तार पहले लूज था, गीला था, अब जो ही करंट लगाया गया इसमें तो बिल्कुल ये खींच गया, यानी इस पर एक कोई फोर्स लगा, उस फोर्स को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और इस पर फोर्स लग रहा है इस चालक पे, इसलिए इसको बोलते हैं धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अभी कितना होता है ये हमें निकालना है, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास ऐसे जो है मैग्नेटिक फील्ड है जी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जी, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक ऐसे है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा कोण पर रखा गया है, और इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, और इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे, यह क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इस चालक की जो लंबाई है यह एल है, और जो ही करंट फ्लो करता है तो इस पर एक फोर्स लगता है एफ, इसको बोलते हैं, इसको लॉरेंज बल भी बोलते हैं, धारावाही चालक पर लगने वाला फोर्स भी है। अब कितना होता है हमें निकालना है, तो बल लिख लेते हैं, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई का एक चालक रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चालक के बीच का कोण थीटा है, चुंबकीय क्षेत्र बी और चालक जो है इसके बीच का कोण थीटा है। अब क्या करते हैं इसमें कुछ चीजें मान लिया जाए, जैसे फिर लिखिए माना चालक में बहने वाली धारा आई चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एल है, एकांक आयतन में। अब देखिए चालक का आयतन, आयतन बराबर
चालक का आयतन कितना होगा? तो देखिए ये हमारा चालक है, इस चालक का आकार बेलना का है, सिलेंडर के आकार का है, और सिलेंडर का आयतन होता है आधार यानी बेस का एरिया ए इंटू हाइट एल, तो चालक का आयतन होगा ए इंटू एल। अब देखिए चालक के एकांक आयतन में, एकांक आयतन का मतलब एक होता है एक घन मीटर आयतन में, एक घन मीटर एक मीटर लंबा एक मीटर चौड़ा एक मीटर ऊंचा, ऐसे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एन है एक आयतन में। और कुल आयतन कितना है? एन। दो आयतन में टू एन, थ्री आयतन में थ्री एन, तो एन आयतन में एन एन ए एन लिख सकते हैं। चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन मान लेते हैं, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर एन इंटू ए एन, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे चालक का आयतन। ये क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे चालक का आयतन, इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं। अब आइए देखिए इसको नोट कर लीजिए, पहले ये निकल गया चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक में उपस्थित कुल आवेश Q बराबर क्या होता है? N E, Q बराबर N E, तो यान और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो यान की वैल्यू कितनी है? स्मॉल यान ए एल ई, इतना आवेश है चालक के अंदर, कुल आवेश हो गया। और एक आवेश पर कितना बल लगता है? लॉरेंज बल क्या कहता है? और एक इलेक्ट्रॉन जो चलता है तार के अंदर वो किस वेग से चलता है? अनुगमन वेग से चलता है। तो लिख सकते हैं चालक में बहने वाली धारा आई के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग धीरे हो तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल एफ डैश मान लेते हैं, एफ डैश बराबर क्या होता है? क्यू भी बी साइन थीटा, तो क्यू के जगह पर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है ई, भी के जगह पर भी डी, चुंबकीय क्षेत्र बी साइन थीटा, एक मुक्त इसके अंदर एक जो मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहा है उस पर लगने वाला बल है एफ डैश बराबर ई भी डी बी साइन थीटा। और इसमें अगर चालक पर लगा निकालना हो बल, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल, एक इलेक्ट्रॉन पर, तो इसमें चालक में उपस्थित कुल आवेश, एक आवेश पर इतना बल, तो कुल आवेश कितना है? यान ए एल ई, कुल आवेश है। तो लिख सकते हैं यहां पर नीचे लिख दे रहे हैं, अतः चालक पर लगने वाला
बल, अतः चालक पर लगने वाला बल F बराबर, चालक पर लगने वाला बल F बराबर लिख सकते हैं ऐसे F डैश गुणे यान। देखिए यान बराबर यहां निकाला गया था, कुल यान कितना आया था, यान बराबर आया था यान ए यान। एक आवेश पर लगने वाला बल F डैश है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश बल जो है F डैश है। हमारे चालक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है यान, तो F डैश गुणे यान, तो F डैश की वैल्यू यहां से लिखिए ई डी डी बी साइन थीटा, और यान की जगह पर यान ए यान, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर यान ई ए भी डी को एक पास लिख दीजिए यान ई ए भी डी, फिर लिखिए एल बी साइन थीटा। ये जो देख रहे हैं ये पार्ट, ये एक्चुअली में है क्या, ये जो है करंट है। अब पढ़े हैं अनुगमन वेग और धारा में संबंध I बराबर होता है यान ई ए भी डी, तो लिख सकते हैं ऐसे, इसको नोट कर लीजिए। के आगे लिख सकते हैं वी नो दैट, वी नो दैट आई बराबर यान ई ए भी डी, इसलिए एफ बराबर हो जाएगा आई एल डी साइन थीटा, या धारावाही चालक पर लगने वाला बल है F बराबर आई एल बी साइन थीटा। ये जो है फोर्स लगता है इधर F। अब इसका वेक्टर रूप क्या होता है, वेक्टर के रूप में वेक्टर F बराबर आई वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर L क्रॉस वेक्टर D। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं F बराबर I L B L क्रॉस B, ये जो है वेक्टर के फॉर्म में है। अब ये बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर फॉर्म में होता है, तो इसका डायरेक्शन ज्ञात करना होता है। तो इसके डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम और वेक्टर का क्रॉस नियम, तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। नो तो यहां नोट कर लीजिए, नोट नोट में लिख देंगे धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा नंबर एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, नंबर दो दाएं हाथ हथेली के नियम नंबर दो से, नंबर तीन वेक्टर के क्रॉस नियम से ज्ञात किया जाता है। अब इन तीनों नियम को एक बार हम अप्लाई करके आपको बता रहे हैं। देखिए एक फिगर बना रहे हैं हम, देखिए ये है हमारा
मैग्नेटिक फील्ड, और ये है हमारा चालक, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है नीचे आई, ये हमारा चालक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए ऐसे करंट कहाँ है, नीचे है, देखिए ये करंट नीचे, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर, लगने वाला फोर्स इधर होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में होगा, इसको ऐसे बना सकते हैं डॉट से, ये है फोर्स। अब आइए देखिए इससे दाएं हाथ की हथेली के नियम से, ये जो हमारा अंगूठा होता है, अंगूठा कहाँ रहेगा, नीचे की ओर, ऐसे करंट की ओर, चारों अंगुलियां कहाँ रहेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो लगने वाला फोर्स हथेली को धक्का देने के दिशा में ऐसे लगेगा इधर, तो देखिए इधर आए। अब आया है इसमें क्रॉस नियम, यल क्रॉस बी, यल क्रॉस बी, ये हमारा धारावाही चालक है, यल यल क्रॉस बी, यल से क्रॉस करेंगे बी का, अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो तीनों में से कोई भी नियम आप लगा सकते हैं। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है, इसे ये है हमारा फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है करंट, इसे बोलते हैं अंगूठा थंब, इसे बोलते हैं तर्जनी फोर फिंगर, इसे बोलते हैं मध्यमा मिडिल फिंगर, तो इसमें अंगूठा फोर्स दिखाता है, तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, और जो है मध्यमा करंट दिखाता है। अगर इसको आप भूल जाए तो याद करने का तरीका क्या होता है, इसको हम बता रहे हैं, देखिए नोट में इसको नोट कर लीजिए, देखिए कैसे, इसमें फ्लेमिंग लिख दीजिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसमें तीन उंगलियां होती हैं, एक होता है अंगूठा, एक होता है तर्जनी, और एक होती है उंगली मध्यमा, सेंट्रल केंद्रीय मध्यमा, तीन उंगलियां ऐसी होती हैं, तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अब इन तीनों उंगलियों, अगर पूरी उंगलियों में कहा जाए सबसे स्ट्रांग उंगली कौन है, तो अंगूठा, अंगूठा है, बहुत स्ट्रांग होता है, सबसे मजबूत है अंगूठा, तो कहीं कील दबाना हो तो इस उंगली का प्रयोग नहीं करते, अंगूठा से दबाते हैं, क्योंकि इसमें पावर ज्यादा होता है, तो सबसे शक्तिशाली उंगली अंगूठा है। और एक परिवार हो तो उस परिवार में फादर है, मदर है, और बच्चे हैं यानी चाइल्ड है, तो तीनों में स्ट्रांग कौन है, फादर है, तो इसको बोलते हैं फादर। फादर के बाद से किसका नंबर आता है, मदर, और उसके बाद से किसका नंबर आता है, चाइल्ड। सबसे स्ट्रांग से शुरू करेंगे, स्ट्रांग से ए फादर, ए मदर, ए चाइल्ड, सबसे स्ट्रांग अंगूठा, उसके बाद से तर्जनी, उसके बाद से मध्यमा। तो अंगूठा को बोलते हैं फादर, फादर का मतलब होता है फोर्स, फोर्स का मतलब होता है बल, या मदर, मदर का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसको लिखते हैं डी से। और फिर आता है मध्यमा, चाइल्ड, चाइल्ड को लिखते हैं करंट, करंट को लिखते हैं किसे, करंट धारा, धारा क्या हो गया आई, अब भूलेगा नहीं आपको, इसमें कौन करंट है, कौन मैग्नेटिक फील्ड है, कौन जो है इसमें फोर्स है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फादर मदर चाइल्ड, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको लिखना नहीं है, ये आपको याद रखना है कि हम तीनों उंगलियों को कैसे याद रखेंगे, हमें भूले मत, तो भूलेगा नहीं अगर याद रहे, फादर मदर चाइल्ड। अब देखिए इसमें विशेष स्थितियां क्या क्या होती हैं, विशेष
की स्थितियां। नंबर एक, ऐसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है भी, और चालक इसी के समानांतर ऐसे रखा हुआ है, करंट इसमें जा रही है आई, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, धारावाही चालक का डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में है। इसका मतलब यहां पर दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर क्या है, जीरो है। तब कितना फोर्स लगता है इस पर, तो नंबर एक, यदि थीटा बराबर जीरो तो एफ बराबर आई बी एल साइन जीरो, एफ बराबर जीरो, अर्थात धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हो तो उस पर लगने वाला बल शून्य होता है, लगने वाला बल शून्य, उसमें इस पर कोई बल नहीं रहेगा, इस पर कोई भी फोर्स नहीं काम करेगा, बिल्कुल स्ट्रेच पोजीशन में नहीं आएगा। नंबर दो, अगर मान लीजिए ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है और धारावाही चालक इसके परपेंडिकुलर रखा हो, ऐसे यह मैग्नेटिक फील्ड भी है और ये धारावाही से करंट आई फॉलो कर रही है, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या डिग्री, 90 डिग्री। बिट तब क्या होगा, देखिए यदि थीटा बराबर 90 तो एफ बराबर आई बी एल साइन 90, इस स्थिति में लगने वाला फोर्स एफ मैक्सिमम बराबर आई बी एल। जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के परपेंडिकुलर लंबवत होता है तब उसके बीच में लगने वाला बल अधिकतम होता है, अर्थात धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। इसका प्रयोग हम लोग गैल्वेनोमीटर में करेंगे, यहां पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, मोटर वगैरह जो होते हैं चलते हैं, मोटर में भी मैग्नेट होता है और करंट आती है तो मोटर घूमने लगता है, उस पर यही फोर्स लगता है, तो उस स्थिति में 90 डिग्री होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री होता है, वहाँ बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, यहाँ से बी इज इक्वल टू एफ अपॉन आई एल साइन थीटा, बल का मात्रक न्यूटन, धारा का मात्रक एम्पियर, लंबाई का मात्रक मीटर, साइन थीटा का मात्रक नहीं होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या आ गया, अभी बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसी को क्या कहते हैं टेस्ला, या इसी को क्या कहते हैं वेबर
प्रति मीटर स्क्वायर, यह सब यमकियस में है, यमकिया सिस्टम में है। और इसी का मात्रक होता है घास, या होता है सीजीएस सिस्टम में घास होता है। अगर कहा जाए एक टेस्ला किसे कहते हैं, तो एक मीटर अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र बीम हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बीम हो, एक मीटर लंबे धारावाही चालक में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उस पर लगने वाला बल अगर एक न्यूटन है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र कितना कहलाएगा, एक टेस्ला कहलाएगा। एक एम्पियर, एक मीटर, एक न्यूटन, तो क्या कहलाएगा, एक टेस्ला कहलाता है, एक टेस्ला। और लिख लीजिएगा वन टेस्ला को लिखते हैं टी से, वन टेस्ला बराबर 10^4 गॉस। एक टेस्ला की परिभाषा कर लीजिए, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत एक मीटर लंबे धारावाही चालक में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर लगने वाला बल एक न्यूटन हो, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान एक टेस्ला होगा। देखिए यहां से एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, या बी बराबर एफ अपान आई एल साइन थीटा। यदि एफ बराबर एक न्यूटन, आई बराबर एक एम्पियर, एल बराबर एक मीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो बी बराबर हो जाएगा एक टेस्ला। देखिए एफ के जगह पर एक, आई के जगह पर एक, एल के जगह पर एक, थीटा के जगह पर 90, सभी वैल्यू एक, तो बी बराबर वन टेस्ला। बी थीटा बराबर 90 है। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत, 90 का मतलब क्या हो गया, लंबवत, ऐसे समझिए लंबवत, एक मीटर लंबे तार में, एक मीटर लंबे तार में चालक में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर लगने वाला बल अगर एक न्यूटन है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान एक टेस्ला कहलाता है।